हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपुल। आज मैं आपके लिए लिथियम बैटरी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स लगभग लेके आया हूँ। बैटरी सेल्स और यहाँ पे BMS रखे हुए हैं और बीच में चार्जर्स रखे हुए हैं। एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक बार आप रफ में बात कर लेते हैं। सामने आप देख रहे हैं, ये लिथियम फॉस्फेट सेल हैं 3.2 वोल्ट 6000 mAh के 3C रेटिंग के और 3.7 वोल्ट के 2500 mAh 3C रेटिंग XTT ब्रांड। और यहाँ पे चार्जर है 72 वोल्ट 12 एम्पियर 72 वोल्ट 6 एम्पियर 60 वोल्ट 5 6 एम्पियर और 48 वोल्ट 6 एम्पियर 48 वोल्ट 3 एम्पियर 36 वोल्ट 5 एम्पियर 36 वोल्ट 3 एम्पियर 24 वोल्ट 3 एम्पियर चार्जर है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये BMS रखे हुए हैं 72 वोल्ट 60 वोल्ट 48 वोल्ट लिथियम फॉस्फेट के। उसके बाद ये रखा हुआ है 10S पे लिथियम आयन के लिए, 10S 40 एम्पियर पे लिथियम आयन के लिए। ये है 8S लिथियम फॉस्फेट के लिए BMS है 8S 100 एम्पियर और 4S 100 एम्पियर लिथियम फॉस्फेट के लिए BMS है। लिखा भी हुआ है इस पर। डाली कंपनी के सारे BMS है वाटरप्रूफ वाले, जो भी रेड कलर के आपको दिख रहे हैं वो वाटरप्रूफ BMS है। जो रेड इसमें मेटल केसिंग दिख रही है वो नॉन वाटरप्रूफ है। ये है 4S का 12 वोल्ट का 4S 40 एम्पियर और ये 4S 10 एम्पियर है। 4S 10 एम्पियर है लिथियम आयन पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 24 वोल्ट है 24 वोल्ट 20 एम्पियर लिथियम आयन पे। एक एक करके हम डिटेल में आपकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं आपके सामने ये स्क्रीन पे, ये है देख रहे हैं Abitech का सेल है 32700 6000 mAh का 3.2 वोल्ट का 3C रेटिंग का। ये आपके पास सामने सेल दिख रहा है आपको और ये एकदम फर्स्ट हाई क्वालिटी का सेल है। ये बेस्ट ब्रांड है मार्केट में जो अवेलेबल है। इन सभी का प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये देखिए, आपको सेल्स चाहिए तो आपको सेल्स मिल जाएंगे, BMS चाहिए तो BMS मिल जाएंगे। ये आप पहले आप चीज़ देख रहे हैं, ये लिथियम फॉस्फेट सेल था। एक सेल में मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 25 पीसेस है और इस पर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 50 पीसेस है। ये आप देख रहे हैं लिथियम आयन का सेल, ये XTT ब्रांड का है 18650 और ये भी 3C रेटिंग का है। आप देख रहे हैं ये 2500 mAh का सेल है 18650 बेस्ट क्वालिटी। जो भी आपका बेस्ट प्राइस रहेगा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। आप में से जिसको भी ख़रीदना हो आपने नीचे दिए हुए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं सामने 72 वोल्ट का चार्जर है 12 एम्पियर। इसके साथ ये एंडरसन कनेक्टर है, इसके साथ आपको ये एंडरसन कनेक्टर भी मिलता है 72 वोल्ट 12 एम्पियर का चार्जर है। और इसके सामने आप देख रहे हैं ये 72 वोल्ट 6 एम्पियर का चार्जर है। इसको मैं आपको दिखा दूँ इस तरफ से, ऐसे दिखते हैं सारे चार्जर ही ऐसे दिखेंगे। 72 वोल्ट 6 एम्पियर का ये चार्जर रखा हुआ है, प्लास्टिक बॉडी पे है। और उसके बाद ये 60 वोल्ट 6 एम्पियर का चार्जर है, ये भी प्लास्टिक बॉडी पर ही है। आप देखिए कट ऑफ वोल्टेज लिखा हुआ है 68.4, उसका 84 वोल्ट है। 72 वोल्ट का कट ऑफ वोल्टेज 84 वोल्ट है। सबके स्क्रीन जो उस पर स्टिकर चिपका हुआ है उस पर लिखा हुआ कट ऑफ वोल्टेज क्या है। ये 48 वोल्ट 6 एम्पियर का चार्जर है और ये छोटे चार्जर है 48 को देख रहे हैं 48 वोल्ट 3 एम्पियर का चार्जर सामने से आप देखिए ऐसे। और इस पर आपको ये कनेक्टर मिलता है 3 पिन कनेक्टर और इस पर आपको ये एंडरसन कनेक्टर मिलता है। और इसके साथ आपको आपको इसका सॉकेट भी मिलता है, ये देखिए चार्जिंग सॉकेट। ये आप चार्जिंग सॉकेट विद कैप वाला मिलेगा आपको अगर आप लेंगे। इन सब की प्राइस में चार्जर के साथ चार्जिंग सॉकेट फ्री मिलता है आपको, आपको उसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं पे करना। 36 वोल्ट 5 एम्पियर का ये चार्जर है, 42 वोल्टेज कट ऑफ है। ये देखिए पूरा मेटल बॉडी पे प्लास्टिक बॉडी पे चार्जर है, मेड इन इंडिया चार्जर है। सारे चार्जर जो है हमारे पास वो मेड इन इंडिया है। ये 36 वोल्ट का 3 एम्पियर मॉडल है इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए और ये 24 वोल्ट का 3 एम्पियर मॉडल है। सब मैं आपको टॉप दिखा दिख गया वोल्टेज जो रखा लिखा हुआ है स्टिकर पे कट ऑफ वोल्टेज लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। आपको BMS चाहिए 23 वोल्ट का 40 एम्पियर पे हमारे पास डाली कंपनी का BMS है 72 वोल्ट 23S। ये लिथियम फॉस्फेट का BMS है, लिथियम फॉस्फेट 23S 72 वोल्ट
19S 60 वोल्ट का BMS है, ये भी लिथियम फॉस्फेट पे है। 40 एम्पियर चार्जिंग करंट, 20 एम्पियर डिस्चार्जिंग करंट, दोनों में सेम पोर्ट है। ये नीला वाला वायर जाता है बैटरी पे और ये वाले से ब्लैक वाली वायर से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेम पॉइंट है। उसके बाद आते हैं ये 15S पे हमारे पास दो मॉडल हैं। एक 50 एम्पियर का मॉडल है जिसमें 50 एम्पियर की आपको चार्जिंग मिलती है और 50 एम्पियर का डिस्चार्ज करंट मिलता है और 25 एम्पियर का चार्ज करंट मिलता है। और इसके एक छोटा वाला मॉडल है उस पर आपको मिलता है 30 एम्पियर का डिस्चार्ज करंट और 15 एम्पियर का चार्जिंग करंट। सब सारे BMS वाटरप्रूफ हैं अभी तक आपने जो देखे। इसके साथ आपको ये चार्जिंग वायर्स भी मिलती हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके सामने ये दिख रहा है 10S का NMC, ये लिथियम आयन का BMS है। 40 एम्पियर पे सेम पोर्ट है, B- पे बैटरी का माइनस जुड़ेगा और P और C- पे चार्जिंग रहेगा और डिस्चार्जिंग यहीं से होगी, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। और इसी पे हमारे पास ये वाटरप्रूफ BMS भी है इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए। ये हाई एम्पियर है, जिसको ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए ये है, और जिसको कम करंट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये है। 10S का 20 एम्पियर डिस्चार्ज करंट है, 10 एम्पियर चार्जिंग करंट है, कॉमन पोर्ट है, वाटरप्रूफ है। B- पे ये ब्लू वाला वायर जाएगा और P- पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी। और ये हमारे पास 24 वोल्ट पे लिथियम आयन पे BMS है, इस पर चार्जिंग करंट है 20 एम्पियर और डिस्चार्जिंग करंट है 20 एम्पियर और चार्जिंग करंट है 20 एम्पियर। ये इस पर डिफरेंट पोर्ट है, इसमें P- से डिस्चार्जिंग होगी, C- से चार्जिंग होगी, और ये पॉइंट दिख रहा है वो B- है। लिथियम आयन के लिए ये है 24 वोल्ट पे। और हमारे पास ये इन्वर्टर बैटरी अगर आप बनाना चाहते हैं, बड़ी बैटरी और छोटी बैटरी, लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट पे दोनों के लिए BMS है। 8S 24 वोल्ट 100 8S 24 वोल्ट 100 एम्पियर का BMS है, डाली कंपनी का है, वाटर प्रूफ है। ये मेटल बॉडी पे है और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी जो इसमें आपको मिलती है ये वो BMS है। ये B- मैंने आपको बता दिया। ये इसके साथ ये चार्जिंग कनेक्टर मिलते हैं जिसपे आप, ये इस पर लॉकिंग सिस्टम भी है, इसको लॉक करके आप लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसमें आपको ये टेम्परेचर सेंसर मिलता है सारे BMS पे। और ये 4S का 12 वोल्ट का ये 100 एम्पियर का BMS है, जिसपे आपको 100 एम्पियर का चार्जिंग 50 एम्पियर की चार्जिंग मिलती है और 100 एम्पियर का डिस्चार्ज करंट मिलता है डाली BMS। साथ ही आपको टेम्परेचर सेंसर मिला है। 4S का ये 40 एम्पियर है 12 वोल्ट पे। ये तीनों, ये वाला BMS सिर्फ आयन पे है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। ये आयन पे BMS है, बाकी सारे BMS फॉस्फेट के हैं, लिथियम फॉस्फेट के। 4S 12 वोल्ट का लिथियम फॉस्फेट का BMS है। और अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं लिथियम फॉस्फेट में, तो आप किसी भी इन्वर्टर में 12 वोल्ट 24 वोल्ट का इन्वर्टर अगर आपके पास है, साथ आप 8S और 4S पे आप किसी भी इन्वर्टर पे आप लिथियम फॉस्फेट बैटरी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन्वर्टर अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके वो इन्वर्टर पे इजीली काम करेगा। और ये 4S का BMS है, 4S BMS सेम पोर्ट है, नॉन वाटरप्रूफ है, 10 एम्पियर का मॉडल है। सोलर लाइट और सोलर पंप के लिए जो बैटरी बनती है ये उसी से बनती है। नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में है आने वाला है जो। और ये 4S लिथियम आयन का BMS है 10 एम्पियर मॉडल पे, लेकिन नॉन वाटरप्रूफ है। इस पर हम वो एक वाटरप्रूफिंग कोटिंग करते हैं, वो वाटरप्रूफ वाली कोटिंग करके हम आपको ये BMS देंगे। आपको जौन सा भी प्रोडक्ट्स चाहिए हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने ये सारे प्रोडक्ट्स देख लिए, लिथियम फॉस्फेट सेल से लेके BMS तक। हम 12 वोल्ट से 72 वोल्ट तक के BMS रखते हैं, 12 वोल्ट से लेके 72 वोल्ट तक के चार्जर भी मिल जाएंगे, चार्जर चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा अगर। और ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे ये बैटरी बनी हुई है, एक ये है कस्टम साइज़ है, इसलिए इस पर हीट श्रिंक नहीं लगी हुई है अभी, इसका हीट श्रिंक लगना बाकी है। ये है लिथियम आयन पे बैटरी है, आप देख रहे हैं इसमें कनेक्शन, ये स्पॉट वेल्ड होके इसमें अंदर पूरा प्रॉपरली इंसुलेट किया हुआ है इसको। और इस पर ये अगेन, इस पर हमने ये वाला BMS यूज़ किया है 40 एम्पियर वाला, ये BMS यहाँ पे लगा हुआ है 40 एम्पियर का। और ये 36 वोल्ट 25 एम्पियर का लिथियम आयन का बैटरी पैक है।
3C रेटिंग पे। आप में जिसको चाहिए वो आप ऑर्डर दे सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। और हमारे एक कस्टमर ने हमारे एक कस्टमर थे, उनको बैटरी लेना था और उनके पास से ये बैटरी उन्होंने कहीं से परचेज़ किया हुआ था, तो ये बैटरी हमने अभी इनको रिपेयर किया। अगर आपके पास लिथियम बैटरी अगर आपके डैमेज हुई रखी हुई है, आप अगर रिपेयर के लिए भेजना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे पास रिपेयर के लिए भेज सकते हैं। जो भी चीज़ चाहिए आपको, सारा प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपके सामने स्क्रीन पे भी कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे थे वीडियो, उस पर ये सेल होल्डर और लिथियम आयन के सेल होल्डर और लिथियम फॉस्फेट के सेल होल्डर छूट गए थे। ये आपके सामने है लिथियम फॉस्फेट के, ये देखिए आपके सामने मैंने लिथियम आयन पे ये सेल होल्डर लगा के रखा हुआ है। इसमें मैं गैप की बात कर रहा था, ये आप देखिए यहाँ पे निकल स्ट्रिप लगाने के लिए ऊपर साइड में एक गैप रहता है और ये बैटरी इससे इंसुलेटेड रहती है। अगर आप किसके ऊपर ये शीट वगैरह लगाते हैं तो वो पॉइंट को टच भी नहीं करती है इससे। और ये लिथियम आयन के जो होल्डर्स रहते हैं, ये ख़ास बात यह है कि ये अनब्रेकेबल है। ये आप इसको देखिए, मैं इसको पूरी तरीके से मोड़ दे रहा हूँ और ये फिर भी नहीं टूटेगा। ये मेड ऑफ प्लास्टिक है, ABS प्लास्टिक से नहीं बना हुआ है। देखिए इसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है। इसको मैं दोबारा आपको लिथियम आयन सेल पे फंसा के दिखाता हूँ। ये देखिए ये इजीली कनेक्ट हो गया और ये कहीं से टूटा भी नहीं है। ऐसे ही होल्डर्स पे 33650 भी मिलते हैं। ये देखिए अब ये पूरी तरीके से ये बैंड हो जा रहा है लेकिन ये टूटेगा नहीं। और दूसरे मेरे पास दूसरे जो होल्डर रहते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं।